नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत की स्टार और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर को अलविदा कहने का मन बना लिया है। सानिया मिर्जा ने बुधवार दोपहर को संन्यास की घोषणा कर दी है। सानिया मिर्जा ने अपने संन्यास की जानकारी देते हुए बताया कि 2022 का सीज़न उनके करियर का आखिरी सीज़न होने वाला है। जानकारी के मुताबिक सानिया मिर्जा ने ये बात ऑस्ट्रेलिया ओपन में बुधवार को महिला डबल्स के पहले राउंड में मिली हार के बाद कही है। सानिया मिर्जा ने अपने बयान में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए संन्यास की बात कही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2022 मेरा आखिरी सीजन होगा। मैं हफ्ते दर हफ्ते आगे की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये पक्का नहीं है कि मैं आगे पूरा सीजन खेल पाऊंगी या नहीं। मुझे लगता है मैं बेहतर खेल सकती हूँ, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। मेरे लिए ये सबसे बड़ा दुख है। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा ने अपने करियर में कई बड़े बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। मुंबई में जन्मी सानिया मिर्जा 6 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं। वे पहली ऐसी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिंगल्स के टॉप 100 में प्रवेश किया था, लेकिन कमर में चोट होने की वजह से उन्हें सिंगल से हटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने साल 2013 में सिंगल से संन्यास ले लिया। साल 2019 में उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। उसके बाद सानिया ने टेनिस में वापसी की कोशिश की, मगर कोरोना वायरस की वजह से वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने संन्यास जैसे फैसले को अंजाम दिया। 35 वर्षीय सानिया मिर्जा अब इस सीजन के अंत में आखिरी बार टेनिस कोर्ट में खेलती दिखाई देंगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।